I'm joined by JDU leader Neeraj Kumar sir. There's talks of a formation of a committee for one nation, one poll. How do you see this? What is the stand of JDU on this? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताया हुआ इंडिया दैट इज भारत, जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, उसके चुनावी गठबंधन के बड़े आकार रूप लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई है। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है। 2019 के घोषणा पत्र में तो आपने डाला नहीं था, जिन घोषणाओं को लागू करना तो वो तो किया नहीं। और यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर विभिन्न राजनीतिक दल, राज्यों के मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग, ये विभिन्न संस्थाओं से संवाद का माध्यम है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह चल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपके कारनामे याद हैं कि दलित समुदाय के राष्ट्रपति पद पर वो सम्मानित थे, आपने तो संसद भवन का शिलान्यास करवाया नहीं। समानता की के आधार की बात करने में आप एक देश एक चुनाव में उनकी भूमिका तय कर रहे हैं। अद्भुत लीला आपका है। जनता दल यू का नजरिया, हमारे संसदीय दल के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यह प्रस्ताव आएगा तब अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। क्या लगता है फिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये पॉसिबल है? आपको क्या लगता है जेडीयू आगे चल के हो सकता है इसके सपोर्ट में? देखिए, यह 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बनने के बाद पॉलिटिकल पेन किलर के रूप में इसका इस्तेमाल मोदी सरकार करना चाहती है, लेकिन ये देश विविधता का है। ये देश हिंदुस्तान बड़ा देश है, तो ऐसे सवाल पर जनता दल यू का क्या नजरिया होगा? ये तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन अब आकार रूप ले रहा है, तो स्वाभाविक है वो तो तमाम दलों से संपर्क के आधार पर, एक सोच के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि इस स्टेप को वेलकम करना चाहिए और सभी पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए और सबको इसको मिलकर डिस्कस और पार्टिसिपेट करके इसको एक सहमति पे आना चाहिए। तो ये अगस्त सितंबर 2023 में ज्ञान हुआ, यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो एक समान शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं लागू करते हैं? एक समान छुट्टी क्यों नहीं लागू करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिलाओं के सुहाग के रक्षा के लिए तीज की छुट्टी नहीं देती, अनंत चतुर्दशी का छुट्टी नहीं देता, छठ पूजा का छुट्टी नहीं देता, तो जरा हिंदू पर्व में भी ये समानता ले आइए। ये देश विविधताओं का देश है, इसलिए तमाम दलों से और माननीय मुख्यमंत्रियों से संपर्क के आधार पर ही इस पर कोई कार्यनीति तय की जाएगी, वह भी पार्लियामेंट में, जो इंडिया गठबंधन रुख तय करेगा, जनता दल यू की उसमें प्रमुख भूमिका रहेगी। आपके हिसाब से क्या नुकसान है इसमें? अगर पूरे देश में एक इलेक्शन होता है तो बहुत सारी रिसोर्सेज का कहा जाए तो जो वेस्टेज होता है या कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट होता है अलग अलग, अगर 2024 में जैसे चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी होगा, फिर अगले साल होगा, तो खर्च भी बढ़ता है, इससे मैन पावर भी लगता है, तो इससे नुकसान क्या है? इलेक्शन रिफॉर्म का भाई पॉलिटिकल कंसियसनेस आप बढ़ाइएगा ना। अभी कर्नाटका में आप चुनाव हार गए, उसके बाद आपको ज्ञान हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपको आशंका है कि हम हार जाएंगे, तब आपको ज्ञान हो रहा है। पॉलिटिकल सोच के तहत इस काम को नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दृष्टिकोण से विमर्श करना चाहिए कि देश के संसदीय व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके लिए कौन से रूप लिए जाएं। एक रूपता की बात केवल मुंह से कह देने से नहीं होगा, ये गंभीर विमर्श की जरूरत है। संविधान, चुनाव आयोग, राज्यों के मुख्यमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के बीच तक कॉमन कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तो आप इसको इम्पोज नहीं कर सकते। Well, that was JDU's Neeraj Kumar also voicing his particular opinion on the One Nation, One Poll. Well, a committee has been formed today and that is the big announcement, the crucial announcement, which has raised several speculations, several questions and concerns. Right now, we will slip into a short break, but throughout the day, we will keep bringing you all the latest updates on this story. Do stay tuned to CNN News 18 for all the updates.